कल 11 बजे बीजेपी में बड़ी ज्वाइनिंग होने जा रही है। पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया बीजेपी में शामिल होंगे और पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी दामन थामेंगे। आपको बता दें कि आलोक बेनीवाल, खिलाड़ी लाल बैरवा भी शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। विजयपाल मिर्धा, रिजपाल मिर्धा शामिल होंगे। रामपाल शर्मा बीजेपी में शामिल होंगे। ये तमाम जो नाम है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये कई नाम जो कल बीजेपी का दामन थामेंगे। आपको बता दें कि सीएम अजय लाल और सीपी जोशी की मौजूदगी में ज्वाइनिंग होनी है। लोकसभा चुनाव लड़ चुके कई कांग्रेस प्रत्याशी अब बीजेपी में शामिल होंगे। राजस्थान में आपको बता दें कि बीजेपी कल कांग्रेस को कई झटके देने जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है उसमें ये देखने को मिला है कि कांग्रेस के कई बड़े कद्दावर नेता हैं जो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। अब कल भी कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं जो कि कांग्रेस का हाथ छोड़ सकते हैं और बीजेपी में शामिल होंगे। तो कल प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि देखिए महज कुछ ही दिन बाकी है लोकसभा चुनाव में और उससे पहले अब बीजेपी कई बड़े झटके कांग्रेस को दे रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश, कल कई बड़े झटके देने जा रही है बीजेपी, क्योंकि कल कई कांग्रेस के तमाम बड़े कद्दावर नेता जो बीजेपी का दामन थामेंगे। फिलहाल क्या जानकारी और क्या हलचल अभी राजस्थान की सियासत में? बिल्कुल, देखिए जो अभी फिलहाल जो राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं, इनकी करीब साल भर पहले से भूमिका तैयार की जा रही थी। चूंकि राजस्थान की राजनीति में भाजपा जिस तरीके से अपने जनाधार को मजबूत करना चाहती है, उसमें जो मजबूत जनाधार और साफ छवि वाले जो नेता हैं, चूंकि जिस तरीके से भाजपा ने सर्वे करवाया है उसके बाद ऐसे प्रत्याशियों की तलाश भाजपा को लगातार है जो 2024 में मिशन 25 को पूरा कर सके। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व लगातार इस बात की मॉनिटरिंग भी कर रहा था और राजस्थान में ऐसे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जिनकी कहीं ना कहीं उपेक्षा की जा रही थी या उनकी भावनाओं को पार्टी में नहीं समझा जा रहा था, तो अब पार्टी में अगर ऐसे जो वरिष्ठ नेता हैं उनके जनाधार को नजरअंदाज किया गया, उनके साथ जो एक पार्टी के साथ उन्होंने इतने लंबे समय तक जो सेवा की उसको नजरअंदाज किया गया, तो ऐसी विमुखता के कारण अब कांग्रेस छोड़कर जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बाद अब जिस तरीके से जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, आलोक बेनीवाल और जो जिस तरीके से दूसरे अन्य जो नेता हैं, लगभग एक दर्जन वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जिनका जनाधार है और उस जनाधार को वो लेकर के अब कांग्रेस पार्टी छोड़कर के भाजपा की तरफ रुझान करें। निश्चित तौर पर जो कांग्रेस नेतृत्व है उसके लिए ये एक बड़ा चिंता का विषय हो सकता है और इसकी पूर्ति करना बहुत मुश्किल होगा। यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि ये अभी जो लोग कांग्रेस से पलायन कर रहे हैं पूर्व मंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी रहे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और सब एक भरोसेमंद नेताओं में ये शामिल रहे हैं। अगर ऐसे नेता जो पार्टी का दामन छोड़ते हैं तो निश्चित ही ये कांग्रेस के लिए बेहद एक गंभीर विषय है, चिंता का विषय है कि किस तरीके से एक मजबूत जनाधार लोकसभा चुनावों में बनाए रखना है, तो वो मजबूत जनाधार इस आधार पर कांग्रेस पार्टी बना करके नहीं रख पाएगी, क्योंकि एक एक करके अब जो मजबूत जनाधार के नेता हैं वो अब पार्टी से खिसकने लगे हैं। किस तरीके से पार्टी द्वारा इनको रोका जाए, ना तो कांग्रेस ने अभी तक पहली ऐसी कोई संभावित सूची जारी की है और यहां तक कि लोकसभा चुनाव के जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में भी अभी तक कोई क्लियर रुझान पार्टी की तरफ से नहीं आया है। तो इसी कारण जो है अब कांग्रेस के जो नेता जो पार्टी से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं वो अब पार्टी का दामन छोड़ने लगे हैं और एक मजबूत जनाधार की तरफ आगे बढ़ने का उनका ये प्रयास है। जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी लगातार वार्ता जारी है, चूंकि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व करीब एक साल पहले ही राजस्थान में लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट गया था और उन लोकसभा चुनावों के प्रत्याशियों के लिए जो जिनके पास जनाधार है, साफ छवि है और जो जिताऊ उम्मीदवार हैं चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, ऐसे जनप्रतिनिधियों की लगातार यहां पर संभावनाएं तलाशी जा रही थी। उन्हीं संभावनाओं में से ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुना गया है, क्योंकि ये जो पूरा जयपुर ग्रामीण का इलाका है, जयपुर ग्रामीण, शाहपुरा और ये जो पूरा इलाका है यहां तक कोटपुतली, बहरोड, अलवर तक, ये पूरा इलाका, इस क्षेत्र ये जो है यहाँ पर चाहे वो लालचंद कटारिया हो, आलोक बेनीवाल हो, राजेंद्र यादव हो, ये तमाम नेता ऐसे हैं जिनका इस इलाके में मजबूत जनाधार है और ये जनाधार अगर बीजेपी के साथ जुड़ता है तो निश्चित तौर पर लोकसभा के चुनाव में
बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, साथ ही कांग्रेस को बड़ा नुकसान इसमें उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल राकेश, और बीजेपी पूरी तरीके से फोकस्ड है 25 की 25 सीटें जीतने में। राकेश, इसमें एक और एंगल ये निकल करके सामने आता है कि कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, राजस्थान से किसी भी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा गया। क्या हम ये मान लें कि जो प्रत्याशी उनको पहले से ये भनक लग गई कि शायद उनको आने वाले दिनों में टिकट न दिया जाए, तो इस वजह से पाला बदलते हुए वो नजर आ रहे? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि लालचंद कटारिया चूंकि पहले भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं और दो बार विधायक रहे हैं, एक बार कृषि मंत्री रहे हैं, इनके जो पिता हैं वो भी राजनीति से रहे हैं और वो भी मंत्री रहे हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव लड़ने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, पार्टी उनको जो है एक मजबूत जनाधार का नेता मान करके और झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर चुनाव लड़ने से उन्होंने या उनके किसी भी परिवार के सदस्य ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। यही कारण था कि विधानसभा चुनाव में झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से नया प्रत्याशी उतारने के बावजूद भी कांग्रेस को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले और एक मजबूत जनाधार वहां पर कांग्रेस का सामने आया। अब चूंकि लालचंद कटारिया पिछले लंबे समय से राजनीति से दूर हैं, लगभग साल भर से वो किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी जब लोकसभा के लिए जो यहां पर पर्यवेक्षक आए थे और उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में संभावित सदस्यों में कहीं भी चाहे वो लालचंद कटारिया हो, राजेंद्र यादव हो, इनके नाम उस सूची में शामिल नहीं है। तो संभव तो हो सकता है कि ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि जो जिस तरीके से पर्यवेक्षक दलों ने और पीसीसी ने और प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने जो रिपोर्टें बनाई हैं, इन रिपोर्टों में जो मजबूत जनाधार वाले जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी अनदेखी हुई हो, और हालांकि ये सभी जो कारण तो बाद में पता चल पाएंगे कि ऐसे क्या कारण रहे, लेकिन फिलहाल इन्हीं बातों की अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, उनको उनकी वरिष्ठता के आधार पर वहां पर एक मजबूती नहीं दी जा रही है। ऐसे में वरिष्ठ नेता अब धीरे धीरे कांग्रेस से पलायन करके भाजपा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस में यह पलायन का सिलसिला शुरू हुआ है और कहां तक पहुंचेगा, क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस को ये बड़े झटके हम इनको कह सकते हैं, महेंद्र जीत सिंह मालवीय के बाद अब लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, आलोक बेनीवाल और खिलाड़ी लाल बैरवा, इसके अलावा और भी जो अन्य पदाधिकारी हैं, चूंकि ये शुरुआती दौर है और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की आचार संहिता या इनके नामांकन जब तक भरे जाएंगे तब तक ये संख्या और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई करना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा और वर्षों इसकी भरपाई करने में कांग्रेस को लग जाएंगे। क्योंकि निश्चित ही एक जो जनप्रतिनिधि होता है अपना जनाधार बनाने के लिए वर्षों मेहनत करता है, संघर्ष करता है और उसके बाद वो अपने क्षेत्र में खड़ा होता है, लेकिन अगर कोई भी किला भरभरा करके ढह जाए तो उसको दोबारा से खड़ा करने में बहुत टाइम लगता है। यही कांग्रेस के साथ फिलहाल हो रहा है कि कांग्रेस के जो मजबूत जनाधार वाले स्तंभ हैं वो धीरे धीरे अब धराशायी होते जा रहे हैं और मजबूती की तरफ से कांग्रेस अब फिसलती जा रही है। बिल्कुल राकेश, और कुछ दिन पहले भी तस्वीर सामने आई थी जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी का दामन थामा, उसी वक्त पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भी बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि अब पार्टी समीक्षा करेगी, आखिर क्या वजह है, कहां डैमेज हो रहा है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो दिख नहीं रहा है क्योंकि जिस तरीके से खबरें निकल करके सामने आ रही है वो तमाम बड़े कांग्रेस के कद्दावर नेता कल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं जिनके बलबूते कांग्रेस जीत का दावा करती हुई नजर आती है। बिल्कुल, इस बारे में लगातार हमने प्रदेश कांग्रेस प्रभारियों के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात हुई, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से भी बातचीत हुई थी और उनका कहना है कि जिस तरीके से जो कांग्रेस से लोग जा रहे हैं चाहे महेंद्र जीत सिंह मालवीय हो या कोई अन्य, तो उनका कहना है कि जिसको जाना है वो जा सकता है, अगर एक छोड़ता है तो दूसरे को जगह मिलेगी, लेकिन अब जब इस तरीके से वरिष्ठ नेता अगर पार्टी छोड़ेंगे और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बयान इस तरीके से आएंगे तो निश्चित ही ये जो कांग्रेस के लिए सोच का विषय, चिंता का विषय है, क्योंकि मजबूत जनाधार के साथ साथ अगर कोई प्रत्याशी या कोई पदाधिकारी या कोई नेता जब पार्टी छोड़ता है तो उस वो जो गैप क्रिएट होता है उस गैप को दोबारा भरने में समय लगता है, कोई नया जो अगर नेता उस जगह पर आएगा तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान पार्टी को होगा क्योंकि वहां पर एक जनाधार बनाना बहुत मुश्किल और कठिन काम होगा। तो अब जिस तरीके से ये जो जितने यहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पलायन कर रहे हैं, बात पलायन करने की नहीं है, बात उनके जनाधार की है, बात जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक
जो मतदान प्रतिशत मिला उस मतदान प्रतिशत के आधार पर कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें कहीं ना कहीं वो टक्कर देगी, क्योंकि पिछले दो लोकसभा क्षेत्रों से राजस्थान में कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी नहीं जीत पाया है। जीरो से कांग्रेस को इस बार शुरू करना है और इस बार कुछ संभावनाएं थी, पार्टी ये भी तलाश कर रही थी कि हो सकता है कि जो वरिष्ठ नेता है उनको फिर से मैदान में उतारा जाए, लेकिन अब हालात जिस तरीके से बन रहे हैं और बदल रहे हैं इससे प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है और निश्चित तौर पर इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। एक तरफ बीजेपी ऐसे मजबूत जनाधार वाले नेताओं को, साफ छवि वाले नेताओं को अपने साथ ले जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस से जाना कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों का ये कहना कि भाई इनके जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी अन्य को मौका मिलेगा, तो एक चिंता का विषय बन सकता है। बिल्कुल राकेश, और राजस्थान के सियासत में सियासी तपिश और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लगातार हम खबरें भी दिखा रहे हैं और पल पल की अपडेट भी न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से दर्शकों को दे रहे हैं। राकेश, अभी कांग्रेस खेमे में क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्या किसी से आपकी बातचीत हो पाई हो, किसी नेता को कोई बयान सामने आया हो? बिल्कुल, देखिए अभी तो चूंकि जो भी भाजपा में शामिल होने वाले हैं वो उनमें अभी कुछ वक्त है, जाने के बाद ही पार्टी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेगी, ना ही ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो पार्टी छोड़ने वाले हैं उनकी तरफ से ऐसा आया है। ये संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं पर अब आगे पार्टी किस तरीके से चिंता करेगी, क्योंकि इस बात की अटकल कांग्रेस को भी थी कि कुछ नेता जो लगातार है वो यहां से धीरे धीरे भाजपा की तरफ रुझान कर रहे हैं, लेकिन उनको मनाने को, उनको रोकने का प्रयास पार्टी द्वारा वरिष्ठता के आधार पर नहीं किया गया, और अगर ऐसा किया जाता तो संभवतः हो सकता है कि कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उन्होंने इन मामलों को गंभीरता से नहीं लिया, और अब यही कारण है कि धीरे धीरे जो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता पलायन कर रहे हैं उसका जो फायदा है वो बीजेपी को मिलता जा रहा है और निश्चित तौर पर कांग्रेस को इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, चूंकि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और ऐसे में हर पार्टी, हर परिवार अपने एक परिवार को मजबूती बनाए रखने के लिए एकजुटता में एक सूत्र में बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में जो नेता हैं उनकी पर जो उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं या अपनी अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, उनसे किसी तरह की वार्ता के प्रयास नहीं करना, उनको नजरअंदाज करना, अब वो धीरे धीरे पार्टी के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। बिल्कुल राकेश, और जो तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही है उसमें देखिए राहुल गांधी की अलग अलग जगह से तस्वीर आई, जहां वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हुए नजर आए, बांसवाड़ा भी उनकी यात्रा पहुंची और उस दौरान देखने को मिला था कई बड़े कद्दावर नेता तैयारियों में जुटे हुए थे। क्या चर्चा विमर्श नहीं किया गया राकेश की आने वाले दिनों में कई बड़े ऐसे नेता है जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, तो इनसे बातचीत की जाए, इनसे समझाइश की जाए कि आखिर कमी कहाँ आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ लगभग दो दिन पहले राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर थे, 7 मार्च को राहुल गांधी ने बांसवाड़ा में बकायदा वहां पर जनसभा को संबोधित किया और वहां पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष जो गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह सहित सभी वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद थे। निश्चित तौर पर राजस्थान कि आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर के वहां पर मंथन किया गया, मंथन जो हुआ वो प्रत्याशियों के चयन को लेकर हुआ, लेकिन जिस तरीके से पार्टी की आंतरिक हालात जो है बिगड़ती जा रही है, टूटती जा रही है, जो नेता टूटते जा रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए पार्टी किस तरह से प्रयास कर रही है, इस दिशा में अभी तक कोई बड़ी पहल नहीं की गई है, ना ही कोई इस तरह का एक एजेंडा पार्टी ने बनाया है कि अपने घर में जिस तरीके से जो बिखराव हो रहा है इस बिखराव को कैसे रोका जाए और कैसे जो लोग यहां से पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं उस दिशा में किस तरह के प्रयास किए जाए। चूंकि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत भी दर्ज की थी, इस बार भी मत प्रतिशत बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार इस बार के लोकसभा चुनाव में जो पार्टी का जनाधार घटता जा रहा है और नेता जो पार्टी से दूरी बनाते जा रहे हैं, इससे निश्चित तौर पर जो राजस्थान में कांग्रेस की जो एक उसमें डाउनफॉल आ सकता है और ये बड़ा नुकसान हो सकता है जिसको भरने में कांग्रेस को वर्षों लग सकते हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से लगातार एक एक करके और बड़े नेता जब कांग्रेस से छोड़ रहे हैं और भाजपा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो इससे नुकसान निश्चित तौर पर कांग्रेस को होने वाला है।
बिल्कुल राकेश, और बीजेपी पूरी तरीके से मिशन 25 में जुटी हुई है। लगातार बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन राकेश जिस हिसाब से देखिए बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है और राजस्थान में 15 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, अब 10 सीट पर पेच जो है वो फंसा हुआ है। क्या जो ये कांग्रेस के तमाम बड़े कद्दावर नेता हैं वो बीजेपी का दामन थामेंगे तो इनको टिकट मिलेगा, या इस बात को लेकर के पहले ही बातचीत हो चुकी हो, डील हो चुकी हो, क्या ये अभी इसको लेकर के जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो भाजपा लगातार पिछले एक साल से राजस्थान में मिशन 25 को पूरा करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व लगातार यहां पर दौरे कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे, भाजपा की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, तमाम यहां राजस्थान की राजनीति पर बहुत पैनी नजर रखे हुए थे। तो उन्होंने जो जिस तरीके से ये जो जनाधार देखा है, चूंकि अब जिन प्रत्याशियों से, जिन उम्मीदवारों से बातचीत की जा रही है, जहां संभावित हैं, जिनके मजबूत जनाधार हैं, या उनको किस तरीके से पार्टी आगे चल करके मैनेज करेगी, ये अभी पहले से ही तय हो चुका है। और जिस तरीके से लालचंद कटारिया के बारे में कांग्रेस लगातार जो है, एक पहले भी कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी लालचंद कटारिया रहे हैं और विधानसभा चुनावों में भी अच्छे मतों से इन्होंने जीत दर्ज की है, तो जयपुर ग्रामीण से संभवतः अजमेर से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं, वहां पर भाजपा मैदान में उतार सकती है। हालांकि लालचंद कटारिया बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी राजनीतिक वाले व्यक्ति नहीं है, जिस तरीके से पार्टी, कोई भी पार्टी जिस दल में रहे हैं वहां जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको धरातल पर उतर करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अब किस तरीके से क्या समीकरण इस समझौते में होंगे ये तो बाद में पता चल पाएगा, या जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वो तय कर पाएगा, उसी के आधार पर जो सभी जो भाजपा में शामिल वाले होने वाले नेता हैं उनकी दशा और दिशा होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि संभवतः लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भाजपा लालचंद, पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया को मैदान में उतार सकती है, चूंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लालचंद कटारिया के साथ साथ, चूंकि जो मिर्धा परिवार है नागौर का, उसका भी राजनीति में एक मजबूत जनाधार है, तो वहां पर लालचंद कटारिया और मिर्धा परिवार दोनों आपस में बहुत नजदीकी रिश्तेदार भी हैं, और यही कारण है कि एक बड़े समीकरण राजस्थान की राजनीति में बदल सकते हैं। इससे जो सिर्फ नागौर के आसपास की राजनीति है उसमें भी बड़ा बदलाव आएगा, साथ ही जो पूरा जयपुर के साथ साथ शाहपुरा, बहरोड, अलवर, नीमराणा, ये जो पूरा इलाका है, यहाँ की राजनीति में भी एक बड़ा जो है बदलाव देखा जा सकता है। बिल्कुल राकेश, और महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जब बीजेपी का दामन थामा तब देखने को मिला था कि उन्होंने कई बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी में उनकी उपेक्षा हुई है, आदिवासी समाज में वो अच्छी पकड़ रखते हैं। अब देखिए बीजेपी कहीं ना कहीं चुन के सोच समझ करके ये फैसला ले रही है राकेश, क्योंकि जातिगत यहाँ पर समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले दिनों में चुनाव में बड़ा फायदा हो सके बीजेपी को। बिल्कुल, देखिए अगर कल अगर भाजपा में शामिल होते हैं कई वरिष्ठ नेता तो निश्चित तौर पर कई लोकसभा सीटों पर इसका परिणाम के पर असर नजर आएगा, क्योंकि कांग्रेस को नुकसान होगा, उसमें प्रमुख रूप से जयपुर, जयपुर ग्रामीण, नागौर, चूरू, यानी हम कहें सिकावटी संभाग की जो सीटें हैं, बाड़मेर, चूंकि ये ऐसे इलाके हैं ये जहां पर जो जनाधार, चाहे लालचंद कटारिया का, राजेंद्र यादव का, या फिर हम कहें कि इधर से नागौर में, नागौर के इलाके में जो मिर्धा परिवार है वहां पर ये एक पुराना इनका एक राजनीतिक वजूद है, वहां पर इनका एक जनाधार भी माना जाता है, और अगर संयुक्त रूप से भाजपा में शामिल होते हैं तो लगभग 8 से 10 लोकसभा सीटें हैं जिन पर सीधा प्रभाव जो है बीजेपी के फेवर में जा सकता है। बिल्कुल राकेश, और कल प्रदेश की राजनीति में कई बड़े बदलाव होंगे, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी और आपसे अपडेट भी आगे हम लेते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।